अभी दोस्तों इनकी अपडेट दे देता हूँ, ये कल से मैंने यहीं छोड़ दिए थे, ऊपर रखना भूल गया, इनको भूल नहीं गया, मेरे को एमरजेंसी कहीं जाना पड़ा तो इनको अब इस पेटी में डाल के इनको सबको ग्लासेस को ऊपर रख के आऊँगा धूप में, और थोड़ी थोड़ी मिट्टी और डालनी पड़ेगी, पानी डालते ही मिट्टी ना थोड़ी नीचे होगी इसमें। चलो इनको फटाफट ऊपर छत पर रख के आते हैं, फिर इनका वेट करते हैं कब ये पैदा होते हैं। नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में आपने देखा मैंने जो कल प्लांट्स लगाए थे, सीड्स लगाए थे सॉरी, ग्रीन चिल्ली के, वो मैंने अब छत पे रख दिए, और ये रहे वो हमारे सीड्स, इनमें मेरे को लगता है चार या पांच मेरे से ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि वो लाते टाइम इसमें गिर गए थे, अब उनसे सीड बाहर निकल गया या मेरे को कुछ नहीं पता। और यहाँ पर ना ज़्यादा तेज़ धूप लगेगी और ना ज़्यादा छाई रहेगी, क्योंकि सूरज इस तरफ से आता है, सुबह के टाइम इनको अच्छी धूप मिलेगी 12 बजे तक, उसके बाद इधर से शाम को धूप मिलेगी, पूरी तेज़ नहीं मिलेगी। अब इस पे डाल दिया मिट्टी, फिर जिस दिन ये ज़्यादा बड़े हो गए फिर इनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दूँगा। और ये रहा हमारा पंजाब, ये चेक करो, कईयों की दान अभी खड़ी है, कईयों की कट चुकी है चावल, और ये सारा हरा भरा है पंजाब हमारा। और कुछ ही समय के लिए आने वाले टाइमों में यहाँ पे बड़े बड़े प्लॉट्स, जैसे ये इधर सारे खेत होते थे जिसको अब न्यू चंडीगढ़ का नाम दे दिया है, ये सारे खेत थे इधर, ये देखो आप बड़ी बड़ी मंजिलें, 32-32 मंजिलों के फ्लैट बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े, वो सामने आपको मैक्स टावर नज़र आ रहा होगा, इन बिल्डिंगों के पीछे मैक्स टावर है। अब इस पर डालता हूँ मिट्टी, क्योंकि मैंने पानी दिया था कुछ ग्लासेस में, पानी मेरे से ज़्यादा हो गया था, चलो सीड्स के लिए सही होता है इतना पानी। अब इनको दो दिन बाद आके पानी दूंगा, क्योंकि ये पानी तो मेरे को लगता है ज़्यादा है, या कल शाम को इनको पानी दूंगा आके। अब इस पे डालता हूँ मिट्टी, ऐसे मैंने फिल कर देनी है सभी गिलासों में, फटाफट दे के फिर मिलता हूँ आपको। गाइज हमारे पास आ गया बहुत तरह के सीड्स, मूली, गाजर, शलगम, चकंदर, मेथी और काफ़ी सीड्स आ गए हैं, और ये सारा साग है, और ये हमने लगाने हैं अपने खेत में, वहाँ पे भी हमने खेत में लगाने हैं जहाँ से मैं मिट्टी लेके आता हूँ, बट ये मेरे नहीं है, मेरे ऊपर से अलग है, जो मैं ऊपर अपना कर रहा हूँ ये अलग चीज़ है। तो अभी तो मज़ा आने वाला है फार्मिंग का, आप बस वीडियो में बना रहा करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, होते हैं तो भी दूंगा, कैसे होते हैं, मैं तो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ बट इसमें स्प्रे वगैरह होएगी, मैं खुद की जो कर रहा हूँ वो ऑर्गेनिक कर रहा हूँ। और ये है हमारा साग, क्या बात है, चेक करो सारे पॉट में साग हो चुका है। और दूसरी अपडेट है जो हमारी इस बॉक्स वाली पालक है, ये भी ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है। ये वाली मिट्टी आज मैं निकाल के, वैसे तो इसमें एक दो दाना हो रखा है लेकिन होएगा नहीं, इसमें डाल दूंगा। और ये वाला धनिया एकदम से ग्रो हो गया 3 दिन बाद, इस वाले को अभी टाइम लगेगा, ठीक है, ये भी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये रहे हमारे टमाटर, ये वाले टमाटर एक इसमें लगाना, ये तो बिल्कुल सूख चुका है, और ये वाले हो बिल्कुल सही है, इनको अभी पानी नहीं दूंगा, ठीक ठाक है, ये धनिया को पानी देना है वो मैं देता हूँ बस, अब वैसे दे दिया है सुबह मेरे को लगता है, पर अब नहीं दूंगा, बस इनकी वेट है, अब ये ग्रो हो जाए फिर मैं कामयाब हूँ।
गाइस रात में क्या हुआ था, अपनी नानी के घर, और वहाँ पे रात सोते सोते 2 बज गए। तो आज इतनी ज़्यादा नींद आ रखी थी, मैं दोपहर में काम कुछ और करना था लेकिन जाके सो गया, और आके मैंने सुबह ना जो काम और भी थे वो मैंने करे हैं, लेकिन दुकान की सफाई भी लग गया करने, जिसकी वजह से थकावट हुई और मैं जाके सो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करके जाना। हाँ मैं मानता हूँ ब्लॉग थोड़ा छोटा है, मेरा साग बड़ा भी लगाने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, आपको कल वो पक्का लग जाएगा। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, लव यू ऑल।